बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वकानल्लाहु अफुवन गफूरा, और अल्लाह हमेशा से बेहद माफ़ करने वाला, नहायत बख्शने वाला है। हम नेकी का आगाज़ करने से बहुत डरते हैं, ये सोच कर के लोग हमें कबूल नहीं करेंगे, लोग हमारी उस नेकी से ऐब निकालेंगे, लोग हमारी नीयत को नहीं समझ पाएंगे। जो काम हमने अल्लाह के लिए करना है, हमें उसमें लोगों की मंजूरी की फिक्र क्यों रहती है? आपको हिजाब शुरू करना है तो हिजाब करें, आपको म्यूजिक छोड़ना है तो म्यूजिक छोड़ दें, आपको हराम ताल्लुकात ख़त्म करने हैं तो फौरन ख़त्म कर दें, आपको एक नमाज से इबादत शुरू करनी है तो एक नमाज से इबादत शुरू कर दें, आपको अपने रब को राज़ी करने के लिए लोगों से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अपने गुनाहों का एहसास हो जाए, वैसे ही वो गुनाह तुर्क कर दें, और लोगों की ज़बानों से घबरा कर कोशिश करना ना छोड़ें, क्योंकि परफेक्शन सिर्फ लोग मांगते हैं, हमारा रब तो कोशिशें देखता है। वो उन छोटे छोटे कदमों को देखता है जिनसे चलकर आप उसके करीब आते हैं, और हमारा सिला सिर्फ हमारे रब के हाथ में है, लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए लोगों की बातें दिल पे लेना छोड़ दें। रब काबा से इल्तिजा है कि हम सबको हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे, ज़ाहिरी बातनी रूहानी और जिस्मानी तकालीफ से महफूज फरमाए, राहत जान इत्मीनान कल्ब और रिज्क हलाल अता फरमाए, अपने अलावा किसी और का मोहताज न फरमाए, खसूस हिफ्ज़ ईमान में रखे, दोनों जहानों में सतर पोशी फरमाए। अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों को फतह अता फरमाए, या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा और उनकी मदद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।